तो प्यारे बच्चों, स्वागत है जीके भाई योगी सर। तो बच्चों, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मूल अधिकार का। मूल अधिकार आज हम पढ़ते हैं, संविधान की नेक्स्ट वीडियो है नागरिकता के बाद। मूल अधिकार का वर्णन भाग 3 में किया गया है, अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक। 12 से 35 में वर्णन किया गया है मौलिक अधिकारों का, जिन्हें मूल अधिकार भी कहते हैं। जो भारत के मौलिक अधिकार हैं उनको अमेरिका से लिया गया है। जैसा हम देखते हैं, इंग्लैंड ने सबसे पहले मूल अधिकार अपने नागरिकों को प्रदान किए 1215 में। सम्राट जॉन, वहाँ के जो किंग थे, उन्होंने दिए। मूल अधिकारों का जनक भी सम्राट जॉन को कहा जाता है। मूल अधिकारों को जिस पत्र या अधिनियम में से पढ़ा गया था उसका नाम था महाधिकार पत्र, या इंग्लिश में उसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं उसको। भाग 3 को महाधिकार पत्र भी कहा जाता है। पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा 1791 में संविधान में मूल अधिकारों को लिखित व्यवस्था दी गई थी। यानी कि लिखित संविधान जो विश्व में है सबसे पहला, वो है अमेरिका का संविधान, जिसे 1789 में लिखा गया था, 1789 में। और इसके लिए एक समिति बनाई गई थी, जैसे भारत के संविधान के लिए समिति बनी कैबिनेट मिशन, तो इनके लिए समिति बनी फिलाडेल्फी समिति। तो मूल अधिकारों के जो प्रकार हैं, कितने प्रकार के हैं, यदि क्वेश्चन आता है मौलिक अधिकार भारत के कहाँ से लिए गए हैं, तो कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से। तो मौलिक अधिकार की यदि हम वैसे बात करें, तो मौलिक अधिकार जो वर्तमान में हैं वो हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं, जो पहले 7 थे। एक संपत्ति के अधिकार को बीच में हटाया था, जैसा हम आगे पढ़ेंगे। तो मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 नंबर। एक है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, अनुच्छेद 14 से 18 में इसका वर्णन किया गया है। सेकंड मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णन किया गया है। थर्ड है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, अनुच्छेद 23 से 24 में इसका वर्णन किया गया है। नंबर 4 मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, अनुच्छेद 25 से 28। नंबर 5 संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, अनुच्छेद 29 से 30। नंबर 6 संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, अनुच्छेद 31 में था, जिसको अभी हाल ही में हटा दिया था 1978। नोट में लिखा है 44वां संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा यह अधिनियम भाग 3 से हटाकर भाग 12 में डाल दिया गया, जो अनुच्छेद 300A में वर्णित है। वर्तमान में इसे कानूनी अधिकार यानी कि लीगल राइट्स बना दिया गया है, जो पहले संपत्ति का अधिकार नंबर 6 था, और अब इसे डिजॉल्व कर दिया संविधान में, है आर्टिकल 300A में, और जो एक मौलिक अधिकार से हटकर कानूनी अधिकार है। मूल अधिकारों में अनुच्छेद आर्टिकल 32 के अनुसार सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और आर्टिकल 226 के अनुसार सीधे हाई कोर्ट। नंबर 7 जो मौलिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में। वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को खत्म कर दिया गया है, हटा दिया गया है। जनता पार्टी के द्वारा 1970 में इसको पारित किया गया और पूरी तरह डिजॉल्व हुआ 1978 में। मूल अधिकारों में 7 अधिकार थे, जो वर्तमान में 6 अधिकार हैं, जिसमें 5 पहले और एक विधिक लीगल राइट अधिकार है। तो टोटल मिलकर अब कितने हैं वर्तमान में? 6। नंबर 1 मौलिक अधिकार की बात करें हम, उसके अनुच्छेदों की, जो समानता का अधिकार, अनुच्छेद 12 में लिखा है भारत राज्यों की परिभाषा, अनुच्छेद 14 में विषय विधि के समक्ष समता व विधियों का समान संरक्षण है। अनुच्छेद 15 का इसमें दिया नहीं हुआ है क्योंकि इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ। अनुच्छेद 15 में है जो वर्णन किया गया है, धर्म, जाति, लिंग, नस्ल या जन्म स्थान के आदि के भेदभाव में निषेध है कि कोई व्यक्ति यदि किसी का कोई भी धर्म है, किसी भी नस्ल, नस्ल का मतलब यहाँ होगा कारे और गोले रंग से, जो या तो काला आदमी हो या गोरा आदमी हो, तो संविधान में क्या है कि कारे से जो काला व्यक्ति होता है उसको काला कहना है, गोरे व्यक्ति को गोरा कहना भी क्या है, मौलिक अधिकार के विरुद्ध होता है। जाति, किसी की जाति का नाम लेना,
या जन्म किसी का कहीं भी हो, कहीं भी निवास कर सकता है, तो उसके बारे में अनुच्छेद 15 है। अनुच्छेद 17 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अस्पृश्यता कांड। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 में बना और इसके अनुसार ₹500 जुर्माना है, 6 महीने की सजा है। और सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम जो अधिकार हुआ 1976 में, इसके अंतर्गत 1 वर्ष की सजा और जुर्माना यहाँ खत्म कर दिया गया। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में संयोजन की क्षमता, यानी कि जो अनुच्छेद 16 है उसमें क्या है कि कोई किसी भी कास्ट से हो सभी को समान अवसर है, कोई ऊंचा छोटा बड़ा यहाँ पे नहीं माना जाता है। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण है। अनुच्छेद 19 को हम थोड़ा डीपली पढ़ते हैं। और अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। उपाधि का मतलब जैसे कोई हमें टाइटल कहीं से प्राप्त होता है तो उसका अंत किया गया है। इसमें अपवाद भी है, जैसे एक्सेप्शन हम मानते हैं एजुकेशन और डिफेंस को। यहाँ पे हम शिक्षा की कोई भी मानद उपाधि प्राप्त कर सकते हैं, उसका कोई उपाधि का अंत नहीं होगा और ना ही डिफेंस का। जैसे कि मान लो कोई टीचर है और कहीं भी वो अपने नाम को लिखता है, राइट करता है, तो मान लो कोई MBBS है तो अपने नाम के सामने डॉक्टर लिख सकता है, कोई LLB किया हुआ कैंडिडेट है तो अपने नाम के सामने लॉयर या वकील लिख सकता है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि ये अपवाद है। उपाधियों का अंत यहाँ पर डिजॉल्व होता है, जैसे मान लो कोई भारत रत्न किसी को प्राप्त हुआ है भारत में, तो अपने नाम के सामने भारत रत्न विजेता वो नहीं लगा सकता। यदि किसी व्यक्ति को विदेश से कोई पुरस्कार मिलता है तो उसे पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होती है, उसके बाद ही वो उसको प्राप्त कर सकता है। तो प्यारे बच्चे, अनुच्छेद 19 को जरा ध्यान से देखें। अनुच्छेद 19 में क्वेश्चन आता है, अनुच्छेद 19 में कितने विषय हैं? तो पहले विषय थे 7 और अब विषय कितने हैं? 6। सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। चुप रहना भी हमारा एक इसका मुख्य भाग होता है। शांतिपूर्ण निरायुध विदाउट हार्म सम्मेलन का हमें अधिकार है। संगम या संघ बनाने का अधिकार है हमें बिना हथियारों के। भारत के राज्य क्षेत्र में सभी जगह बिना रोक के भ्रमण करने का या संचरण करने का या घूमने का पूरा अधिकार है। भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने का और बस जाने का पूरा अधिकार है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, जम्मू कश्मीर। हम जम्मू कश्मीर में निवास नहीं कर सकते। कोई वृत्ति या उपज का या व्यापार या कारोबार करने का पूरा अधिकार होगा। पूरे भारत में हम कहीं भी कोई अपना व्यापार या कारोबार कर सकते हैं। तो ये थे 19 के पार्ट। तो आज बारे बच्चों हम अनुच्छेद 19 तक पढ़ते हैं, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें 20, 21, 22, 23, 24 जो हमारे इम्पोर्टेंट मौलिक अधिकार होंगे या आर्टिकल, उनको हम बड़े ही आसान और ढंग से पढ़ते हैं। तो बेटा, यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहे। तो मौलिक अधिकारों की जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसका आपको कल तक वेट रहेगा। तो ओके प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।